आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। मानवी को भीष्म मतलब प्लीज एक बार तो मुझे बोल दो दैट यू लव मी। इतने सालों की मेरी तमन्ना को आज पूरी कर दो प्लीज मेरा। क्या हुआ डाली, कहीं तुम उस ऋषिकेश की कबूतर देहांतन की वजह से तो चुप नहीं हो? प्लीज विराट, हम दोनों मुंबई में सेटल हो जाएंगे। लेट्स गेट मैरिड विराट। अब मैं हम दोनों के बीच में किसी को नहीं आने दूंगी, ना माया ना मानवी। बातों पे गुस्सा आ रहा है, मेरी हरकतें तुम्हें गलत लग रही है, उस कान्या ने जो किया वो कुछ नहीं, तुम्हें मजा आ रहा था वो तुम्हारे साथ छिछोरापन कर रही थी, बोलो। मानवी वो नशे में थी, ओके? तुम तो नशे में नहीं थी ना, तुम्हें इतने बीच में आने की कोई जरूरत नहीं थी, ओके? बहुत ही अनग्रेटफुल हो यार तुम, करो जो करना है अपने दोस्तों के साथ। मुझे अगर इतना सा भी पता होता ना तुम्हारे दोस्त कैसे होंगे, मैं कभी उस पार्टी में नहीं जाती और ना ही आगे से कभी जाऊंगी। मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हें लेके गया, सॉरी। हाय विराट, कहाँ खोए हो? बस यार कुछ नहीं। जॉनी Yes, hi. मानवी को देखा? लड़की मेरे साथ आई थी। ओ हाँ, मैंने उसे वॉशरूम की साइड जाते हुए देखा। अरे यार विराट, एक मिनट इधर आना साइड में, एक मिनट। यार ये जो तेरी फ्रेंड है मानवी, इसके साथ तेरा कोई चक्कर वक्कर? नहीं यार, वो मेरी बस बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा, तो अपने इस फ्रेंड से कुछ इंट्रोडक्शन करवाना यार। अगर वो सिंगल है तो आई एम रेडी टू मिंगल विद हर। कुछ इंट्रो वगैरह दिलवा कुछ? नहीं बेटा, वो सिंगल नहीं, तू पार्टी एंजॉय कर, ओके? चल पार्टनर, कैसी हो? पार्टी एंजॉय कर रही हो? मेरी छोड़ो विराट, तुम तो एंजॉय कर रहे हो। ये क्या, अपना फेवरेट ड्रिंक अभी तक पिया नहीं तुमने? होश तो ठीक ठाक है? तो पी के देखो। मैं? कुछ नहीं होगा, ट्राई। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, मैं पीऊंगी इसे। एक सिप तो ट्राई करो, कुछ नहीं होगा। ये तो जूस जैसा लग रहा है बिल्कुल। जी हाँ, इसे वजन पीनो कोलाडा कहते हैं। वो क्या है ना, कॉलेज में सिर्फ ताने जाते कि मैं ड्रिंक्स नहीं लेता, सो जब भी कोई पार्टी होती है ना, तान्या मेरे लिए मेरी फेवरेट ड्रिंक ले आती है। दैट्स इट। पार्टनर, तान्या तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी? थी, लेकिन अब कोई और है। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मारा भी कुछ पता ही नहीं लगता पार्टनर, हर जगह कहीं ना कोई तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड ही होता है, था है या होगी। किसी भी शहर में जाते हो कोई ना कोई टकरा ही जाता है। देखो पार्टनर, मैं पास के बारे में कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन प्रेजेंट में और फ्यूचर में मेरी एक ही नौटंकी बेस्ट फ्रेंड है, और वो है मिस मानवी चौधरी। मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक्स लेकर। मनु, तो ठीक है ना वहाँ पार्टी में विराट के साथ? दी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है दी, और विराट का तो क्या क्रेज है दी, मैं आपको बता नहीं सकती। हिट है एकदम अपने फ्रेंड्स के बीच में, पर मैं इतना एंजॉय नहीं कर रही। क्या ना, ना तो मेरे टाइप की पार्टी है, ना यहाँ पे मेरे टाइप के लोग हैं। म्यूजिक भी ऐसा बज रहा है जैसे कोई इंग्लिश में लोरी सुना रहा, सुनते ही नींद आ जाए। यार एक घंटा हो गया थी, कोई 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 फिल्मी गाना ही नहीं बजा, जैसे वो चिकनी चमेली, प्रीतम प्यारे,
अपना ऋषिकेश होता ना तो स्टेज फाड़ देती, पर यहाँ यहाँ तो बस फॉर्मली खड़े रहो चुपचाप, एक दूसरे को घूरते रहो आंख फाड़ फाड़ के। अच्छा अच्छा मनु ये सब छोड़, तू मुझे बता तुझे थकान तो नहीं महसूस हो रही है ना? अगर हो रही है तो प्लीज विराट को बता दे, वो तुझे घर ले आएगा। अरे दी आप क्यों टेंशन ले रही हो, मैं थोड़ी देर में विराट के साथ वापस आ जाऊंगी। आप तब तक चीजों के साथ थोड़ा रोमांस तो कर लो, आप पप्पिया झप्पिया लो। हाँ तू कभी नहीं सुधरेगी ना मिस मानवी चौधरी, कुछ भी बोलती रहती है। बाय। गाइज एंड गर्ल्स मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, हमारे इस पार्टी में कोई ऐसा भी है जिसे इस पार्टी से बहुत शिकायत है, उसे यहाँ की म्यूजिक लोरी की तरह लग रही है, बोरिंग एकदम, तो हमने ये फैसला किया है कि हम उसकी शिकायत को दूर कर देंगे, इस पार्टी को और एंटरटेनिंग बनाएंगे, और उसके लिए मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगी ऋषिकेश की हीरोइन द स्टार सेंसेशन मिस मानवी चौधरी। सब क्या और मैं गाना कैसे गाऊंगी आपके लिए, मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ, पार्टी बंद करानी है क्या? कहाँ गई ऋषिकेश की आंधी, कहीं तूफान आने से पहले ही थम तो नहीं गया, या फिर इतना हाई क्लास का क्राउड देखकर तुम डर गई? सो गाइज एंड गर्ल्स लेट्स वेलकम मिस मानवी चौधरी। पार्टनर मैं तन्ना से बात कर क्या था? तूफान आने से पहले ही थम तो नहीं गया, या फिर इतना हाई क्लास का क्राउड देखकर तुम डर गई? सो गाइज एंड गर्ल्स प्लीज वेलकम ऑन स्टेज मिस मानवी चौधरी। पाटन मैं तन्ना से बात करके आता हूँ। विराट is all yours. All the best.
वाओ मांदी, तुम बहुत अच्छा डांस करती हो। दैट वाज ऑसम मांदी, यू डांस रियली वेल। क्या डांस किया है, क्या गाना है? नाइस। आर यू ओके? हाँ। हाय मानवी, आई एम एक्चुअली सॉरी, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। गिर गया, रियली सॉरी। आई सी इट फॉर यू, आई एम रियली सॉरी। अब वो एंड इट्स ओके। विराट, मैं वॉशरूम होके आती हूँ। विराट, थाना, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ, थाना। विराट, कितना मैं संभालूँ अपने आप को? कॉलेज से लेकर आज तक मैं अपने आप को संभाल रही। तान्या, अरे इन सबसे पूछो तुम कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। और मैं इस पार्टी में आज ये सोच के रही थी कि आज मुझे तुमसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। देखो दाना, लेकिन 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 तुम आज फिर एक नई मुसीबत ले आए। दाना, देखो तुम्हें जो कहना मुझे कहो, मानवी को बीच मतलब प्लीज। एक बार तुम मुझे बोल दो दैट यू लव मी, इतने सालों की मेरी तमन्ना को आज पूरी कर दो प्लीज। विराट, क्या हुआ डार्लिंग? कहीं तुम उस ऋषिकेश की कबूतर देहांतन की वजह से तो चुप नहीं हो? प्लीज विराट, हम दोनों मुंबई में सेटल हो जाएंगे। लेट्स गेट मैरिड, लेट्स गेट मैरिड। विराट, अब मैं हम दोनों के बीच में किसी को नहीं आने दूंगी, ना माया ना मानवी। Enough. Virat, enough, Tanya. तुम इस लड़की को क्या? Manvi. मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। I'll see you. की बेशरम लड़की तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। इससे आगे तो वो माया भी अच्छी थी। कितनी गंदी गंदी बातें कर रही थी वो। मानवी, तुम्हें उसके ऊपर टिक नहीं फेंकनी चाहिए थी। तो क्या चुपचाप उसकी गालियां सुनती रहती? मैं उसके ऊपर ड्रिंक नहीं फेंकती ना तो तुम्हें ग्लास की तरह उठा के पी जाती वो। मानवी, वो नशे में थी और मैं उसे हैंडल कर रहा था ना, तुम्हें बीच में आने की क्या जरूरत थी? पर वो जबरदस्ती तुमसे शादी करने के लिए बोल रही थी यार। अरे बस बोल रही थी ना तो क्या हो गया? मैं कौन था उसके साथ साथ फेरे ले रहा था? और एक बात बताओ, कोई भी लड़की मुझे कुछ भी कहे तो मैं क्या फर्क पड़ता है? What's your problem in that? जो भी हो मानवी, तुमने गलत किया। नहीं लगता मैंने कुछ भी गलत किया। उसने मुझे इतना गलत सलत बोला, मैं चुप रही। विराट, तुम्हारे साथ जबरदस्ती पे उतर आई थी वो। अच्छा, इसका मतलब तुम उसके ऊपर ड्रिंक दोगी? हाँ, उसने तो गलत किया किया, लेकिन तुमने तो भी गलत किया ना। ऐसे सीन क्रिएट करने की क्या जरूरत थी? हाँ, ऐसे कोई सिचुएशन में हैंडल करता है? हुँ? अच्छा, तुम्हें मेरी सारी बातों पे गुस्सा आ रहा है? मेरी हरकतें तुम्हें गलत लग रही है? उस तान्या ने जो किया वो कुछ नहीं, तुम्हें मजा आ रहा था? वो तुम्हारे साथ छिछोरापन कर रही थी, बोलो। मानवी, वो नशे में थी, ओके? तुम तो नशे में नहीं थी ना, तुम्हें इतने बीच में आने की कोई जरूरत नहीं थी, ओके? बहुत ही अनग्रेटफुल हो यार तुम तो। करो जो करना है अपने दोस्तों के साथ। मुझे अगर इतना सा भी पता होता ना तुम्हारे दोस्त कैसे होंगे, मैं कभी उस पार्टी में नहीं जाती और ना ही आगे से कभी जाऊंगी। मुझसे गलती होगी, मैं तुम्हें लिखे गया, सॉरी।
कुछ भी कहते हैं तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? जो भी हो मानी, जो भी हो मानी, तुमने गलत 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 की। मुझसे गलती होगी, गलती होगी। मानवी, मानवी वो नशे में थी, ओके? तुम नशे में नहीं थी, तुम्हें बीच में आने की कोई जरूरत नहीं थी उसमें, ठीक है ना? ठीक है ना? अरे बात बताओ, कोई भी लड़की मुझे कुछ भी कहे, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। विराट ने ठीक ही तो कहा, तानिया दोस्त है उसकी, इतने सालों से मुझसे तो बेहतर ही जानती है ना उसे। मुझे इन सब सब चीजों के बीच में पड़ने की जरूरत क्या थी? और ये तानिया की कही हुई सारी बातें मुझे क्यों इतनी बुरी लग रही है? मुझे फर्क क्यों पड़ रहा है इन सब चीजों से? बेस्ट फ्रेंड है विराट, मेरा पार्टनर है, और मेरे सामने कोई उसे उल्टा सीधा बोलेगा, उसे उसे गलत सलत बोलेगा, तो मैं पुतलों की तरह खड़ी रहूंगी क्या? No chance. To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.